Pranam. Solar powered humans, California. Vinod from Bali. आई आज अष्टांग योग और उसमें विशेषकर प्राणायाम के ऊपर चर्चा की जाए। अष्टांग योग आदिशिव जहाँ से इसकी उत्पत्ति है, ये मोक्ष को प्राप्त करने का बड़ा ही वैज्ञानिक का एक साधन है, मगर इसके डिसिप्लिन्स बहुत ही जटिल हैं। यदि वास्तविक रूप में यदि आप अष्टांग योग के माध्यम से समाधि की स्थिति को पाना चाहते हैं, आपको यम नियम बहुत ही अनिवार्य हैं। उसमें भी नॉन वायलेंस, अहिंसा अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी अवस्था में उसका कोई कारण नहीं। नॉन वायलेंस मीन्स नॉन वायलेंस, मन वचन कर्म से, और फिर ब्रह्मचर्य पार्शल हो सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही कठिन है। नागा बाबा या मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम होता हूँ, और अपने परम पूजनीय गुरुजी देवराहा बाबा, मेरे परम पूज्य बड़े गुरुजी, और फिर युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी जी जबलपुर। अगेन नाउ स्विच ओवर टू, आइए अब प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम मन, आपका वीर्य और प्राण, ये तीनों मन के एक ही माला के हैं। वास्तविकता ये है कि यदि आप वीर पर विजय नहीं पा सके तो आपका प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता, और यदि आप मन आपका रुकेगा नहीं, दिस इज योर स्तंभन, मन का स्तंभन होना, केवली कुंभक में पहुंचना। अब इसके दो तरीके हैं। यदि आप जो मन की इच्छाओं को त्याग कर जो जंगलों में चले जाते हैं, सन्यासी हैं, उनका प्राणायाम स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है, उनके कर्म अच्छे हो जाते हैं। तो अब हम प्राणायाम की अष्टांग योग के अंतर्गत बात करेंगे। प्राणायाम की एक क्लिंजिंग, चाहे वो नाड़ी शोधन है, कपाल भाती है, आजकल ये आम बात है, इट्स ए पिटे पिटाए ढोल हैं, फिर भी आपने इसको देखना है। कपाल भाती आपकी, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, इन सब की एक ही परिणति है, केवली कुंभक में जाना, थॉटलेसनेस में जाना। केवली कुंभक मीन्स ना श्वास का अंदर आना, ना श्वास का बाहर आना, इलेक्ट्रिफाइड फॉर्म है। तो ये जो हम प्राणायाम आपके करते हैं बिना यम नियम पालन किए, बिना आसन सिद्धि किए हुए, ये मात्र आपका एक समय नष्ट करना है। वास्तविकता ये है, यदि आप अपनी मर्यादा पूर्वक जीवन नहीं जीते, अपनी संस्कृति को यदि आप भूलते हैं, आप मांस का सेवन करते हैं, आप मर्यादित जीवन नहीं देते, अधिक आप जो काम में लिप्त हैं, आप भूल जाइए कि आपका योग सिद्ध होगा। ये प्राण सू फू जितने भी आप करते हैं बिना आसन सिद्ध किए हुए, मर्यादा का पालन ना करते हुए, ये इंग्लिश में बोलूँगा इट्स लाइक वॉकिंग ऑन ए ट्रेडमिल। आप एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, आपको लग रहा है थोड़ा, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हैं, और फिर मृत्यु की शैया के ऊपर वहीं आपको शमशान में राम नाम सत हो गया, फिनिश। ये छोटा सा जीवन, तो आपने क्या करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। तो आज हम प्राणायाम का आपसे एक, पहले तो शरीर में स्वस्थ होने के लिए आसन सिद्ध आपका तभी होगा जब आप यम नियम पालन करेंगे, पद्मासन, सिद्धासन, पूरा इसके दृढ़ उसमें जाइए। और दूसरा स्वर विज्ञान, आज इसके युग में खास करके मैं ये मेरा मैसेज आज उन टीचर्स के लिए और सीखने के लिए, और जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप में क्वेश्चनिंग स्पिरिट होना चाहिए। जैसे ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना, हम कितना देखते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी का ये सर्जन है या कहीं क्वैक तो नहीं है, कहीं वो अपने बेचारे वैद्य तो नहीं है, आपका हार्ट तो लाइक दस। योगा और अध्यात्म तो इससे भी बहुत जटिल है। इसमें गलती करने से आपकी जन्मों जन्मों की पूरी आपकी जो है, जो पूर्वज और आने वाली संतानें भी नष्ट को प्राप्त हो सकती हैं। आप बजाय मोक्ष को प्राप्त करने के ल्यूनेटिक असाइलम, पागलखाने में विकृतियों को, मानसिक विकृतियों को प्राप्त हो सकते हैं। स्वर विज्ञान, आजकल आपने पहले पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। खेचरी बड़ी जटिल क्रियाएँ हैं प्राणायाम के बाद, कौन सा स्वर आपका चल रहा है तब आपने खेचरी करनी है। प्राणायाम
आज आप देखिए हम क्या हो रहा है, योर होमोसेक्सुअलिटी, और पुरुष भी स्त्रियों जैसे हो रहे हैं और स्त्रियां स्त्रियों को लाइक करती हैं, देन अब तो रूल भी बन गए. सो दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रैक्टिस, और जो हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं. तो प्राणायाम पे मैं आपको ला रहा था. प्राणायाम किसी भी हालत में आपका सिद्ध नहीं होगा जब तक आप यम नियम का पालन नहीं करते. आप भूल जाइए, आप आत्मनिरीक्षण कीजिए. मैं दोबारा कहता हूँ, बिना ABC सीखे हुए, इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट जानने के बिना, जाने बिना, ग्रामर और ये सब बोलने से, आप बिना किए हुए आप पोएम पोइट्री कंपोज नहीं कर सकते, सीधी सी बात. तो अभी आपने उसको यम नियम का पालन कीजिए, फिर प्राणायाम पे स्विच कीजिए. आजकल मैं देख रहा हूँ कि चंद्र नाड़ी का खोलिए, सूर्य नाड़ी खोलिए, मूलाधार जुगाइए. यदि आप चंद्र नाड़ी खोलेंगे आप में लड़कियों के गुण ज़्यादा आ जाएंगे. नाड़ियाँ तो खुली ही हैं, उनको खोलना क्या है? खोलना है तो सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी को खोलना है. ज्ञान, कुंडलिनी अवेकनिंग, मोक्ष की प्राप्ति. मर्यादित जीवन ना जिए आप, बोले अभी आप चंद्र नाड़ी को खोल लीजिए. अगर पुरुष ज़्यादा चंद्र नाड़ी का सेवन कर, चंद्र नाड़ी का ज़्यादा चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे, उनमें लड़कियों सी क्वालिटीज आ जाएंगी. लड़कियों जैसे लौंडिया टाइप हो जाएंगे, आजकल आप देखते भी हैं. यदि लड़कियाँ ज़्यादा सूर्य भेदी करेंगी, उनमें लड़कों के गुण आने लगेंगे. तो यहाँ मैं आपको ये वार्निंग दे रहा था यूट्यूब के ऊपर. पहली चीज़, जब तक आप योग में एक लेवल पे नहीं पहुँचे, इट्स मी द लिविंग एग्जाम्पल महायोगी विनोदानंद फ्रॉम द सोलर पावर्ड ह्यूमंस नॉट फॉर इगोइज्म. जब तक आप नौली के अभ्यासी नहीं हैं, खेचरी आपने नहीं सिद्ध की है, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं काफ़ी हद तक, आप उसके बाद आप नौली के अभ्यासी नहीं हैं, बस्ती कर्म नहीं कर सकते आप, और खेचरी के अभ्यासी नहीं है, घंटों से शासन नहीं कर सकते, इट्स मी. लाइक दिस आप क्वेश्चनिंग स्पिरिट कीजिए. यदि आज मैं योग सिखाने चला हूँ तो मैं एटलीस्ट 2 घंटे एट ए स्टेज शीर्षासन का अभ्यासी होना चाहिए. केवली कुंभक में तब मनुष्य जाता है. ये उनके लिए है जिन्होंने अष्टांग योग में आगे बढ़ना है. यदि आपने मर्यादित जीवन नहीं जीना, आपने मीट खाने हैं, शराबें पीनी हैं, आपने अति कामुक होना है, तो आप तो समाप्त हैं आप. फिर यदि आप प्राणायाम जो सिखा रहा है वो भी एक नंबर का मूर्ख, और जो वही आ गई हिंदी में कहानी. हाँ, एक चीज़, गूंगे कहानी सुना रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं. दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग. यही हमारी मानवता. आज हम इस भीषण इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, ओ कुछ तुम पत्ते खिलाओगे तुम इम्यूनिटी क्या बढ़ाओगे. एलोपैथी है, उसने भी एडवांस किया. आयुर्वेदा, उसके भी हम नेक्ट्रस चीज़ें दीजिए. योगा की नेक्ट्रस चीज़ें आप दीजिए. आज ये मेरा वीडियो में मैसेज है, दोज हु आर फॉलोइंग मी, एटलीस्ट शेर का फॉलो करो, भेड़ों को फॉलो करोगे, ये मायावी जंगल नहीं पार हो सकता. इंग्लिश में मैं दोबारा बोलूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड पेरिशेबल, इट्स ए सेलेस्टियल ड्रीम. स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. आप स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ जाइए. मिजरेबली वीक अटेम्प्ट ऑफ एनी ऑफ द योगास मे ब्रेक यू टू पीसेज और मे कॉज एन इनक्योरेबल मेलेडी. मिजरेबली वीक अटैम्प्ट, यही मिजरेबल वीक अटैम्प्ट है. यदि आप पालन नहीं कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, मीट खा रहे हैं, मुर्गे काट रहे हैं, फिर आप सूंह फूंसी करते हैं, आप क्या होएगा उससे? थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी, इंद्रियां और जागृत होंगी, और आप और इंद्रियों के शिकार होंगे, फिर आपको ल्यूनेटिक असाइलम जाएगा. जैसे आपने देखो आप कुछ यूं करते रहते हैं, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, कुछ यूं करते रहेंगे, ये पूरी की पूरी मानसिक विकृतियाँ हैं. तो आप बजाए योग के, तो पहले योग में उतरने से पहले, ये योग अष्टांग योग बैलगाड़ी में चढ़ने का विषय नहीं है. ये आप आकाश में जहाज में चल रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्विच ओवर टू योगा. आप देखिए आप किस मार्ग पे चल रहे हैं. आप कानों में आप बैठ जाइए कहीं भी जाके, आप कथा वाचक सुनिए, बहुत अच्छी बात है. गृहस्थ जीवन जिए, 5, 10, 20, 25 पैदा कीजिए, जय हो गुरु जी, सुनिए, अच्छा है, कल्याण होएगा, जन्मों लगेंगे, बहुत अच्छी बात है वो. फिर आप गुरुजी से पूछिए, गुरुजी ओके, मैं मृत्यु के करीब हूँ, अब मैं पहुँच गया हूँ कौन से आसमान में, 7वें में पहुँचाऊँ, क्या मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया? ऐसी पागलपन की अवस्थाएं योग ये नहीं कहता. योग ज्ञान का मार्ग है. आप एक स्टेप चलते हैं, आपको पता लगता है आप कहाँ पर हैं. बातों का विषय नहीं. ये मेरी वीडियो खास करके इसलिए है कि योग में उतरने से पहले गलत शिक्षा मत दीजिए.
स्वरों का यदि ज्ञान नहीं है ये मत कहिए, आप ये कीजिए खेचरी मुद्रा फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे कौन बताएगा कि दो घंटे शीर्षासन करने के बाद मुझे क्या करना है? कोई नहीं बता पाएगा। वही बताएगा या नागा बाबा जो ब्रह्मचारी हैं, जो शीर्षासन दो घंटे करता है, अन्यथा कहेंगे क्यों उल्टे लटके हैं दो घंटे। तो मैंने यही बोला कि योग के ऊपर चलना है तो स्वर विज्ञान बहुत ऊंची चीज़ है। केवली कुंभक में पहुंचना है, आखिरी परिणति यही है योग की, मोक्ष को प्राप्त करना है। यदि हम एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नहीं वो पार करता, रॉकेट आपकी स्पेस शटल जमीन पर गिरती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अंतरिक्ष यात्री समाप्त हो जाते हैं, मिशन पूरा डिफीट होता है। तो अष्टांग योग का मिशन है इस जीवन में विद इन 6 मंथ्स भी यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जीवन भर यूं ही सूफू करते रहेंगे आप, योगाभ्यास करेंगे आप, शीर्षासन के लिए संपूर्ण ब्रह्मचर्य चाहिए, घी का सेवन चाहिए। मेरा वीडियो आज हिंदी में थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉन्ग है, आप फिर फॉलो कीजिए। योगी आदमी ब्रह्मांड पुराण के अनुसार 1000 गृहस्थों के बराबर एक वानप्रस्थ है। कंपैरिजन ऑडियंस नहीं है, गृहस्थ जीवन अपने आप में बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण के अनुसार 1000 गृहस्थ आदमियों के बराबर एक वानप्रस्थ, 1000 वानप्रस्थ के बराबर एक सन्यासी, और 1000 सन्यासियों के बराबर एक ब्रह्मचारी, और 1000 ब्रह्मचारियों के बराबर एक योगी। ये सूफू करने वाले योगी नहीं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वज्रौली जानते हैं, खेचरी जानते हैं, जैकुलेशन सिस्टम जीत चुके हैं, मन विचार संबंध हो सकते हैं, पांचों प्राणों, प्राण अपान असमान उदान व्यान, बातें नहीं, संयम आया है फिर मूलाधार खुलता है, बातों से नहीं मूलाधार जगा लीजिए। सो आई एम नॉट शाउटिंग, हिंदी में आज मेरा ये कथन, इसके बाद आप उतरिए, फॉलो सोलर पावर्ड ह्यूमंस को फॉलो कीजिए। कैलिफोर्निया आप जाइए, सोलर पावर्ड ह्यूमंस डार्क रिट्रीट में जाइए, देखिए ब्रदेरियन क्या होते हैं। सालों से वो आदमी आपको दिखेगा, मैं भी आपको मिलूंगा सोलर पावर्ड ह्यूमंस में, डार्क स्ट्रीट में, फेसबुक में जाइए, आई विल बी वेरी मच ओवर देयर। खेचरी क्या है, वज्रौली क्या है, कैसे महीनों भूखे रहना है, प्लवनी क्या है, पानी पे कैसे, गो इन फॉर द बेस्ट, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। फिर मैं एक ही बार बार में एक श्लोक आप गीता का पकड़ लीजिए, वही आपको ले जाएगा योग की तरफ। आई एम फ्रॉम इंडियन आर्मी, कोर्स ऑफ सिग्नल्स दिल्ली, बी ए लायन, आज गरज के बोलता हूँ, आध्यात्मिक इगोइज्म के लिए नहीं, सत्यता के लिए। हमें खेच रही एजलेस बनाती है द लिविंग एग्जाम्पल देवरा बाबा, जो जीभ्या खटा के सर्जरी करके चढ़ा लिया, फिर नमक खाते हैं, शादी करते हैं, ब्रह्मचर्य नहीं है, वो खेचरी नहीं है। लवण का त्याग, सालों स्त्री का त्याग, फिर वज्रौली क्रिया, लिंग इंद्री से दूध जल खींचना, शहद खींचना, फिर आप उसे योगी कहते हैं। इसलिए योगी को 1000 ब्रह्मचारियों से अधिक इसीलिए कहा गया है कि वो सही संभोग भी करता है, वज्रौली का अभ्यासी 20 घंटा वो रज को खींच के अपने शस्त्रार दल कमल में ले जाने की क्षमता रखता है, वो ब्रह्मचारी फिर भी रहता है। ये ऑथेंटिकेशन आपकी ब्रह्मांड पुराण और हठयोग प्रदीपिका से है, इट्स नो फैब्रिकेटेड आइडिया। सत्य का कीजिए अनुकरण। जीसस क्राइस्ट सेज ही अपीयर्ड एज ए टाइगर। इस माया जाल को पार करना है तो आप गीदड़ बन के, भेड़ बन के, ब्लाइंड भेड़ चाल में आपको तो अगले ही क्षण खा जाएगा, बाघ खा जाएगा। तो यू विल हैव टू बी अ टाइगर इफ यू वांट टू क्रॉस दिस मंडेन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस माया। दिस इज द गेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नर से नारायण बनना इसे कहा गया है, नहीं तो जन्म होते जाएंगे, क्षणभंगुर जीवन है, बुलबुले की तरह फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। यदि योग मार्ग में उतरना है तो ये सिखाने वालों के लिए, क्वेश्चनिंग स्पिरिट जो बाबा जी आपको सिखा रहे हैं, ये मेरे लिए भी क्वेश्चन है, मैं कितना बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, क्यों, अपना सा आत्मनिरीक्षण कीजिए। क्या आप घंटों से शासन कर सकते हैं, क्या आप नौली कर सकते हैं, फिर उसके बाद उतरिए आप खेचरी के, आप अभ्यासी हैं तो आप योग में। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर आदमी हो, वो फिर कहे जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे नहीं। यदि ऐसा होता तो जो वास्तव में योगियां बोलते नहीं है, वो आपकी कंदराओं में हैं देवरा बाबा, जिनको शरीर के भी बिना है, हमारे आदरणीय वो परम पूजनीय नागा बाबा हैं, वो लोग बोलते नहीं है पांचों प्राणों पे। आप ये ब्रह्मांड पुराण का वचन है, योग शास्त्र, पांचों प्राणों पर जिसको विजय हो गई, जो वो सोचेगा वही होगा, उसे किसी लेक्चर की, किसी शास्त्र की, किसी की जरूरत नहीं है।
ये स्वामी विवेकानंद जी, ब्रह्मांड पुराण, सारे शास्त्र यही कहते हैं। सो आज का मेरा ये विषय हिंदी में इसलिए था कि योग में उतरने से पहले यम नियम कीजिए। ये तो अभी आपको कितने पिटे पिटाए ढोल हैं, बाएं से लो आवाज़ मत करो, अब कोई कहेगा इसको हाथ नीचे रखो, अपनी स्टैंप लगाएगा उसमें, व्हाट द हेल गोइंग ऑन। ये पिटे पिटाए ढोल नहीं, आप शास्त्र में उतरिए पहले या यम नियम का पालन कीजिए, यम नियम, फिर योग में उतरिए। थोड़ा बहुत आप करेंगे वो ठीक है, उससे अच्छा तो आप जिमनास्ट कीजिए, 5 किलोमीटर रनिंग कीजिए। आई एम बीइंग ए सोल्जर, आई एम टेलिंग यू अगेन, मेरा ओपनली ये चैलेंज नहीं है, योग को जीवित रखने की एक परिभा सामने लाने के लिए। एनी योगी फ्रॉम द वर्ल्ड, आई एम इन बाली, महायोगी विनोदानंदा, सोलर पावर्ड ह्यूमंस, हमारे जाइए उसमें फेसबुक में, आप देखिए किसको ब्रिदेरियन कहते हैं, महीनों बिना खाना खाए कैसे जीना है, महीनों, उसके बाद 20 किलोमीटर रनिंग ओपनली, आई वेलकम एनीबडी कैन कम टू द बाली, 20 एक महीना भूखे रह के अंडर द कैमरों के डॉक्टर्स के सामने, फिर 20 किलोमीटर रोड रन एंड वॉक। आई एम 63 प्लस, ये मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अहम या किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया को योगा अमृत देने के लिए बोल रहा हूँ। और जब तक आपको स्वर्व ज्ञान पूर्ण नहीं है, मत कहिए कि आप चंद्रभेदी प्राणायाम ज़्यादा कीजिए, वो लौंडियाँ बन जाएंगी, लड़के भी बेचारे जो फेमिनाइन फील करते हैं उनको सूर्यभेदी प्राणायाम करना है, और असली तो सुषुम्ना नाड़ी जगानी है, सूर्यभेदी चंद्र ये सब माया है, योगी कभी भी सुषुम्ना जगाते हैं, अमृत वेले में ब्रह्म मुहूर्त में शब्द की सुषुम्ना खुली होती है 3:30 से 5:30, अदरवाइज योगी कभी भी जगा सकता है अपनी सुषुम्ना। जिसने योग मार्ग पे उतरना है घंटों शीर्षासन अभ्यास कीजिए, फॉलो अस द योगा टाइगर्स, बी ए टाइगर, जीसस अपीयर्ड एज ए टाइगर, यदि योग मार्ग पे चलना है। हाँ, बैलगाड़ी भी आपको पहुंचाएगी, अमेरिका पहुंचाएगी, नो डाउट, जन्मों लगेंगे, वो भी एक अच्छा मार्ग है, बैलगाड़ी में चढ़िए, उतरिए, पेशाब भी कीजिए, फिर चढ़ जाइए, एंजॉय, गृहस्थ हैं आप, आइए, बच्चे भी होंगे, जीवन भी चलना है, सबसे बड़ा है गृहस्थ जीवन, सब तो वहीं से आते हैं सिद्ध पुरुष, कितना अच्छा लॉजिक है, ये भी ठीक है, लेकिन लंबा समय है, वो भी भगवान में मिलेगा, समय लगेगा। लेकिन आप यदि आर्मी में हैं, आप नॉन वेज खाइए, वंडरफुल, कर्मयोग है, वीर गति को प्राप्त हुई है लड़ते हुए, आप मोक्ष के प्राप्त के हकदार हैं। लेकिन अष्टांग योग में यदि आप उतरते हैं और जो आपको उतारता है, यदि आप मांस भक्षण करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, नेवर, यू विल बी लेड टू द ल्यूनेटिक असाइलम इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू द सॉल्वेशन। सो इट्स नो एग्जेजरेशन, पन्ने फोल्ड कीजिए, फॉलो उनको कीजिए जिसको फॉलो करते हैं। सो आज के लिए मेरा बहुत था हिंदी में, ये असली प्राणायाम है, ये असली प्राणायाम है, टू हैव पेनिट्रेटिंग आईज, टू हैव अ विजन, हैव द क्वेश्चनिंग स्पिरिट, अदरवाइज आप ठीक है, आप शादी कीजिए, गृहस्थ जीवन जीजिए, अच्छा है, बड़ा अच्छा है, मोक्ष होएगा उसमें भी होएगा, लेकिन अष्टांग योग में बिना यम नियम पालन किए, यदि आप किसी बैलगाड़ी चलाने वाले को, रिक्शा पिलर को उठा के स्पेस शटल में बिठा देंगे, जैसे ही रॉकेट शूट होएगा उसको तो जाएगा ही जाएगा, साथ में पूरा मिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो आज के लिए यही मेरा मैसेज था हिंदी में भारतवासियों के लिए, ये योग की परिभाषा अब फॉलो कीजिए, बी ए योगी, योगी भवा, लॉर्ड कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसके बाद हम प्राणायाम पे उतरेंगे, छठ कर्म करेंगे, छठ कर्म, बस्ती कर्म, मध्य नौली नहीं आती तो जल में जाके आप मूल कैसे खींचेंगे पानी पेट में, फिर नौली कर्म करना है, पूर्ण आपने शंख प्रक्षालन करने हैं, देन हम आपको रात डार्क रिट्रीट में ले जाएंगे, वो कंदराओं में बैठे हैं नागा बाबा, ओफ उनका आशीर्वाद ही बहुत है, ये बिजनेस, ये योगा शुड नॉट बी ए बिजनेस, हमने अपना जीवन यापन करने के लिए आप योगा सिखाते हैं उतना ही ठीक है, आप एग्री कीजिए कि आप प्राइमरी क्लास के टीचर हैं, एबीसी सिखाइए, पीछे हट जाइए, अपनी पेमेंट लीजिए, बट इफ यू आर ए गुरु, इफ यू आर ए, यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज ए मास्टर, डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट, डोंट टॉक ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, डोंट टॉक ऑफ चक्रास, केवली कुंभका, अब ये आज एंग्जाइटी है मुझे, पेट में दर्द है, अब तुम गैस के लिए तुम ये करो, तुम अभी तुम नमर्द होते जा रहे हो, तुम साला तुम्हारी गृहस्थ जीवन नष्ट होता जा रहा है, योग करो उसके लिए, देसी घी खाओ, बादाम घोट के पियो, डंड मारो, ये देखो फौजी सोल्जर बोल रहा है आज भी, अहम के लिए नहीं, यंग जनरेशन को दिखाने के लिए रास्ता, हैव 20 किलोमीटर वॉक, महीनों भूखे रहो डॉक्टर्स के सामने, ब्रिदेरियन, खेचरी क्रिया इसे कहते हैं, वज्रौली क्रिया, अंडर द
civilians, I mean under the medical doctors, how to control the ejaculation system. Ek yogi aadmi lakh guna jyada anand le sakta hai is janm mein aur phir moksh ko prapt ho sakta hai. Yadi aap kachi neend uthte hain, aapki neend puri nahi hui, sansar ko aapne bhoga nahi, wo yogi ek janm mein bhog ke moksh ki prapti karta hai. Jis prakar se aap puri nidra so lete hain, aap kitne acche fresh uthte hain subah. यदि आपकी इच्छाएं बाकी रह गईं, इच्छाएं ही दुख का कारण है. लस्ट, ग्रीड, एंगर, हिपोक्रेसी आर द डायरेक्ट वे टू द डेमोनाइजेशन. एक भी इच्छा जब तक आपके मन में है, जैसे है, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्या इच्छा है. अगर आज मेरी ये इच्छा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लोग वो फॉलो करें, इच्छा, आई एम गोइंग टू डेमोनाइजेशन. यदि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, दिस इज हिपोक्रेसी, आई एम टेकिंग माई सेल्फ टू द डेमोनाइजेशन, नरक में ले जा रहा हूँ. इसी तरीके से आत्मनिरीक्षण कीजिए, आप क्या एक्शन कर रहे हैं, किसको क्या सिखा रहे हैं. यदि मैं आपको भगवान से मिलाना चाहता हूँ, क्या मैंने भगवान का नाखून देखा है, अपने आप सब ठीक होएगा. आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, इम्यूनिटी पत्ते घोट के खिला के इम्यूनिटी कैसे बढ़ जाएगी. आपके पास यदि चाबी है, हर आंसर का जवाब है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, आप क्यों नहीं लाते हैं उसका कोरोना का इलाज. सो जिनको पता है वो आएंगे नहीं, ये लीला है भगवान की. लेकिन आप ये प्रोजेक्ट मत कीजिए भगवान कृष्ण की तरह, या तो अपना विराट रूप दिखाइए या मत कहिए. फॉलो द स्क्रिप्चर्स, पद्मासन, ब्रह्मचर्य, कोशिश कीजिए जीव हत्या ना हो. आज विनोद मैं बोल रहा हूँ, सोलर पावर्ड ह्यूमन, हिंदी में मैं आज इच्छा हुई, बस आई लव इंग्लिश, आई एम इन बाली, आई एम विद द वेस्टर्नर अमेरिकन्स ऑफ वास्को डी गामा, कोलंबस, दे आर वेरी एडवेंचर. ये भी आज उन्हीं की भगवान रूप, गॉड एक्ट्स इन मैन, ये जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इतना सब प्रचार हो रहा है, ये सब उन्हीं की देन है. तो कोई भी गलत मैसेज मत दीजिए YouTube के ऊपर. एक मैसेज आपका करोड़ों लोगों को स्पॉइल कर सकता है, एक मैसेज आपका अनेकों जीवन बचा सकता है. अष्टांग योग के अमृत को दीजिए. पहले योगी होइए, पहले भी योगी, योगी भवा. उससे पहले आप जाइए कुंभ में, नागा बाबा उसके दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए. दिस विल बी मोर देन सफिशेंट. ओम नमः शिवाय. महायोगी, आई कॉल माई सेल्फ महायोगी, इट्स ए फिक्टिशियस नेम. जैसा नाम होगा वैसे गुण आने लगेंगे, वही चिंतन कीजिए. सिख माइथोलॉजी पन्ने पलटिए. अगर मैं दोबारा कहता हूँ, आज मैं जाति से ब्राह्मण हूँ. अगेन, मैं श्री वाहे जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, दसवीं पातशाही, 1,25,000 से एक लड़ाऊँ फिर गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँ, पूरा कुर्बान कर दिया दूसरों के लिए, अपने परिवार चढ़ा दिए, ऐसा इसे भगवान कहते हैं. लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, जहाँ आपको बहादुरी दिखे, वैलर दिखे, शक्ति दिखे, वो मैं ही हूँ. ये है भगवान का रूप. वो कहीं भी है, किसी भी धर्म में हो, शक्ति है, ताकत है, ज्ञान है, वो भगवान है. ओम नमः शिवाय. फॉलो द सोलर पावर्ड ह्यूमंस, कैलिफोर्निया, विनोद महायोगी, ओपनली वेलकम. ट्राई एक महीना भूखे रहना खिचड़ी के माध्यम से, फिर 20 किलोमीटर रोड एंड रन एंड वॉक. आई एम 63+. योग की असली परिभाषा का मैं बांटना चाहता था. आज भी आई ओपनली वेलकम द इंडियन आर्मी ऑब्स्टिकल्स इन द बैंगलोर 17th SSB बोर्ड. आज भी उतने ही टाइम में क्लियर करूंगा जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मंकी रोप, टार्जन रोप, एनीथिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप विद इन. आई एम वेरी मच नॉट फॉर इगोइज्म, जस्ट टू टेल व्हाट योगा इज. Most welcome to Bali. I am here. I love. Oh, wonderful. Thank you very much. Thank you for listening to me. Vinod from Bali. Om Namah Shivaya. Jai Mahadev.